अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शहबाज अली एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल शिकागो फिजिक्स एकेडमी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो क्लास 9 से है, चैप्टर नंबर 9 से, लेक्चर नंबर 6 से, एवापोरेशन प्रोसेस। कि एवापोरेशन प्रोसेस क्या होता है? एवापोरेशन इज द चेंजिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। एवापोरेशन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी लिक्विड जो है वो वेपर्स में चेंज हो जाता है फ्रॉम द सर्फेस। मतलब वो जो एवापोरेशन प्रोसेस होता है वो सर्फेस से शुरू होता है, ठीक है, अब द लिक्विड विदाउट हीटिंग इट। उसको हीट देने की जरूरत नहीं पड़ती हमें। अब कैसे? यहाँ पे मैंने एक कंटेनर बनाया है, ऐसे समझ ले कोई भी लिक्विड है, वाटर है, जिसके मालिक्यूल्स मैंने अरेंज किए हुए। अब जब सन की हीट इनको मिलेगी, ऐसे ये सन की हीट इनको मिलेगी, अब सन की जब हीट मिलेगी तो ऊपर वाले जो मालिक्यूल्स से वो जो हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, वो एवापोरेट हो जाएंगी। मतलब ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ऊपर वाली लेयर है, वो एवापोरेट हो जाएगी। उसके बाद दूसरी लेयर को हीट मिलेगी, ठीक है, सन की जो हीट मिलेगी वो दूसरी लेयर को मिलेगी, फिर वो एवापोरेट होगी, फिर तीसरी लेयर को मिलेगी। ऐसे ही करके करके लेयर बाय लेयर एवापोरेशन जो है प्रोसेस ऑकर होता है। अब इसके मिसाल थोड़े डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वेट के लॉस इन सन ड्यू टू एवापोरेशन। अब जब हम कपड़े सुखाते हैं, मतलब तो जो है धूप में डाल देते हैं, फिर क्या होता है, कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद वो सूख जाते हैं, तो उसके अंदर का पानी कहाँ गया? वो एवापोरेट हो जाता है अंदर ड्यू टू द सन हीट। सन की हीट की वजह से वो जो है पूरा जो पानी है कपड़ों के अंदर वो एवापोरेट हो जाता है। जैसे रेन वाटर होता है, बारिश होती है, फिर जो है रोडों पर पानी जमा हो जाता है, फिर कुछ दिनों बाद वो जो पूरा जो पानी होता है वो एवापोरेट हो जाता है, वो जो है रोड जो है ड्राई हो जाते हैं। तो ये जो टॉपिक था एवापोरेशन के हवाले से, जिसके मैंने मिसाल भी दे दी, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी दे दी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह गई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।